साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले रोड शो करने माया नगरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिल्मी हस्तियों के बीच गुरुवार शाम को गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की कला क्षेत्र में अपने समाज को नई दिशा देने में भी योगदान किया। ऐसे अभिनेताओं, निर्माता, निर्देशकों का स्वागत करता हूं। हमने आपके प्रतिनिधियों के रूप में यूपी से मुंबई की 2 कलाकारों को सांसद बनाकर भेजा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद हैं। विभांशु, सीएम योगी मुंबई के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां पे फिल्मी हस्तियों, निर्माता, निर्देशकों के साथ मुलाकातें करी, उद्योगपतियों से मुलाकातें करी है। कम से कम 5 लाख करोड़ के निवेश से ज्यादा का निवेश प्रदेश में आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। टोटल अब इसको लेकर आपके पास ताजा खबर क्या है और सीएम योगी का ये जो विजन है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये कितना सफल नजर आ रहा है आपको? जी मनीष, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि बात की जाए तो सूबे के अंदर में लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश आने की अपेक्षा की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि उनके अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है जो कि 10 से और 12 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के विकास को चौमुखी रफ्तार देने के लिए लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो कल और आज उनका मुंबई दौरा, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किए, साथ ही साथ वो कल उद्योग जगत के लोगों से मिले और साथ ही साथ फिल्म अभिनेता से मिले और उन्होंने यूपी मॉडल जो है वो बम्बई में रखकर, मुंबई में रखकर और निवेशकों को लुभाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपने इस इरादे पर कायम हुए हैं और उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। बात की जाए तो प्रदेश में कई ऐसे अहम महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बात बनी है जो प्रदेश की विकास को रफ्तार दे सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की उनकी मंशा है, उसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा लिया है कि 1 ट्रिलियन उसमें से हम देंगे, यानी कि सबसे बड़ा देश का सूबा उत्तर प्रदेश उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपनी सहभागिता करेगा। उसी क्रम में आपको बता दें कि अडानी ग्रुप में अगर देखें तो यूपी के अंदर में पीपी मॉडल के तहत बलिया श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज खोलने में रुचि दिखाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कि खास तौर पे परियोजनाएं आती हैं और गांवों तक नहीं पहुंच पाती है, मगर इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहीं ना कहीं देखे तो गांवों में एक अलग प्रभाव छोड़ते हुए नजर आएगा। अगर बात की जाए तो सूबे के अंदर में लगभग 73% की जो आबादी, यानी कि 73% की जो आबादी है वो गांव में रहती है और गांवों को भी अगर विकास के जो रफ्तार है, जो आधुनिकरण है, उससे अगर जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश अपना एक अलग पहचान बनाएगा देश और विदेशों में। अगर बात की जाए तो टाटा सन्स के साथ एक डील साइन हुई है जिसमें लगभग हर एक शहरों से, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बड़े शहर है वहां से आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो भी एयरलाइंस जाएगी, जो भी ऐसे विमान की व्यवस्था की जाएगी जो दर्शन और पूजन का काम कराएगी। वहीं आपको बता रहे कि जियो की तरफ से कहा गया है कि रिलायंस जियो के जो संस्थापक है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में 5G सेवा से जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल क्रांति की बात की जाती है उसमें एक बड़ी योगदान जियो देने जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे उद्योगपतियों से मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर में कई ऐसे MOU और प्रस्तावित परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री के समक्ष बात की है। बात की जाए तो टाटा सन्स की तरफ से, अडानी की तरफ से, गोदरेज की तरफ से, मंगलम बिरला की तरफ से, पिरामल की तरफ से, वेदांता की तरफ से, हिंदुजा की तरफ से, लोहा ग्रुप की तरफ से, तमाम ऐसे जो बड़े उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना निवेश लगाने के लिए इच्छुक है और सीएम योगी आदित्यनाथ से वो पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश का यूपी मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें भा रहा है और वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना निवेश लगाना चाहते हैं। वो समय बताएगा कि निवेशकों को कहाँ जमीन दी जाएगी और जो जगह है उनके द्वारा बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर इन सभी दौरों को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट समिट पूर्व में हुए हैं, चाहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है,
उससे कितना आउटकम आया है इसको भी सरकार बताए। साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है वो बस एक कागजी पुलिंदा है और सड़क पर उतर कर इन परियोजनाओं को कहीं ना कहीं एक विस्तृत रूप देने में चुनौती पूर्वक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि गोदरेज समूह ने 4 कारखाने पहले से संचालित की जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें वृद्धि करने की बात कही है। साथ ही साथ बाराबंकी में नए कारखाने लगाने की उसकी तरफ से बात की गई है। वही लोहरा ग्रुप की तरफ से अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में आवासीय परियोजना बनाने की बात कही गई है जिससे सस्ते दामों में फ्लैट आम जनमानस को मिल सके। वहीं अगर बात की जाए तो रैंकिंग ग्रुप हैदराबाद के फार्मा पार्क के तर्ज पर यूपी में फार्मा पार्क बनाने की प्रस्ताव किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी चाहे डिजिटल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो औद्योगिकरण हो, इन सभी चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और कितनी इसमें सफलता मिलती है वो आने वाले समयों में देखने वाली बात होगी। जी युवांशु, एक बात ये भी सामने आई है कि सीएम योगी जब दिल्ली के दौरे पर थे तो उद्योगपतियों के साथ मुलाकात में जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है वो मुकेश अंबानी के साथ मानी जा रही है, तो इसमें क्या मुकेश अंबानी की तरफ से भी कुछ बयान आया है जिसमें उन्होंने ये सहमति जताई कि हम वहाँ पे एक बड़ा निवेश करेंगे और लोगों को रोजगार के बड़े अवसर भी देने की बात सामने आई है, तो आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी और सीएम योगी की जो वार्ता हुई है उसे कितना सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है? जी अगर बात की जाए तो तमाम जो उद्योगपति थे उसमें सबसे ज्यादा समय जो रिलायंस ग्रुप के समूह के अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी उनकी तरफ से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को माफ करिएगा मुकेश अंबानी उनकी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ एक लंबी वार्ता की और लंबे मीटिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की और साथ ही साथ भारत सरकार की डिजिटल इंडिया का एक नारा है उसमें एक बड़ा योगदान देने की बात कही है और उनकी तरफ से कहा गया है रिलायंस समूह की तरफ से कि हम उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं यहाँ के गांवों में हम सबसे पहले 5G सेवा की शुरुआत करेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं देखें तो इससे आम जनमानस को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि आज के दौर में मनीष जी अगर देखें तो इंटरनेट लोगों के जीवन में एक बड़ा योगदान देते हुए नजर आ रहा है और अगर 5G सेवा आती है गांव में खासकर कहीं ना कहीं से रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे और बात की जाए तो इन सभी 5G की अगर सबसे पहले शुरुआत की जाती है तो यहाँ जो प्लांट है तमाम जो चीजें हैं चाहे मैकेनिज्म है इसमें भी रोजगार के अवसर मिलने की आशा युवा लगाए बैठे। विभांशु, उस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम के महापौर, उपमहापौर और स्थानीय समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। एमसीडी चुनाव में मुख्य पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षद शैली ओबराय को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। शर्मा के एड्रम मैन मनोज कुमार की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने पर आपके विधायक और पार्षद विरोध करने लगे। कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन में आसन के करीब पहुंच गए जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में आपके सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि बीजेपी और आप पार्षदों में जमकर बहस शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच जमकर हाथापाई की नौबत आते आते बची। दिल्ली सदन में हंगामा खूब किया गया। आप पार्षदों ने लगाए जमकर नारे। दोनों पार्टियों के बीच जमकर हुई है हाथापाई इस को लेकर जहां आप सदस्यों ने बीजेपी पर जमकर आलोचना की और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करना शुरू कर दिया। इसी में भाजपा नेताओं ने भी जवाब देते हुए हंगामा वहां पकड़ लिया।
आप पार्षदों ने लगाए हैं जम के नारे, बीजेपी और आप पार्षदों में जमकर बहस हुई है। पार्षद शैली ओबराय ने मेयर प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। शर्मा के एल्डरमैन मनोज कुमार को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने पर आरोप के विधायक आपके विधायक और पार्षद विरोध करने लगे। कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन में आसन के करीब पहुंच गए हैं, जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में आपके सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। दिल्ली सदन में आप और बीजेपी के बीच में हंगामा हुआ है, एक दूसरे नेताओं के प्रति आपत्तिजनक बयानबाजी शुरू कर दी, सदन को चलने से रोका गया, इसमें दोनों पार्टियों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है। ये स्थिति दिल्ली सदन की है, आपके पास बहुमत होने के बाद भी मेयर का पेच क्यों फंसता जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। सदन में हंगामा होने की स्थितियाँ आखिर कितनी सही हैं, और दोनों पार्टियों का इस तरह से सदन में हंगामा करना और व्यवस्था को पूरी तरह से ना चलने देना, ये शर्मनाक है। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहानी, आपके पास बहुमत होने के बाद भी मेयर का पेच क्यों फंस रहा है, आखिर सदन में हंगामा होने के कारण सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर सदस्य का चुनाव होना था, इसमें आम आदमी पार्टी जो है एमपी चुनाव में अपने पूर्ण बहुमत हासिल करती और उसी को लेकर आज मेयर प्रत्याशी बनाया गया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी जो पार्षद शैली ओबराय को मेयर प्रत्याशी बनाया, उसके जो विपक्ष में भाजपा है वो रेखा गुप्ता मैदान में है, और इसी सब को लेकर जो आज शपथ ग्रहण था जिसमें भाजपा के नेता मनोज कुमार पहले शपथ ग्रहण करने के लिए, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो हंगामा सदन में कर दी। उनका साफ तो यही कहना है कि नॉमिनेटेड सदस्य जो है वो शपथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यही कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243R के तहत नॉमिनेटेड सदस्य वो शपथ नहीं ग्रहण कर सकता है, ये गैर कानूनी है और भाजपा सरकार गुंडागर्दी कर रही है और ये नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हाथापाई भी दोनों पक्षों में हो गया और पूरी तरह से संसद की जो कार्रवाई है वो रोक दिया गया, और साफ तौर पर यही कहना है कि अब ये जो चुनाव है वो अप्रैल तक जा सकता है, और इसे देखते हुए जो सांसद है वो पूरा अपना कार्य रोक दिए हैं। उनका यही कहना है कि शनिवार और जो रविवार को जो बंद रहता है इसको चलते सोमवार को देखा जाएगा, अगर दोनों जो भाजपा और आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं अगर ये लोग शांत रहते हैं तो फिर से शपथ ग्रहण होगा, नहीं तो ये कार्रवाई अप्रैल तक होगा। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दोनों लोगों के बीच में यही कहना है कि हाथापाई हो रहा है, और साथ में यही कहना है कि जो भाजपा है वो गुंडागर्दी करती है और जानबूझ के ये संसद में घुसने की कोशिश कर रही है। स्वानी, आखिर आपने बीजेपी पे आरोप क्यों लगाया है मनोनीत पार्षदों को लेकर? आरोप लगाना ये आम आदमी पार्टी का साथ तो यही कहना है मनीष जी, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो नॉमिनेटिव सदस्य है वो अपना शपथ नहीं ले सकते हैं, जबकि जो भाजपा के नेता मनोज कुमार हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। इसे देखते हुए भाजपा जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और ये साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 243 में भी लिखा गया है कि जो नॉमिनेटिव सदस्य है वो शपथ नहीं कर सकते हैं, और उसके उसके जाए भाजपा के जो नेता है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए उनसे ये आरोप लगाया गया है और भाजपा के स्तर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुहानी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग मंत्री जतिन प्रसाद के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जतिन प्रसाद ने सभी अभियंताओं को निर्देशक देते हुए रोड सेफ्टी ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजमार्गों मुख्य जिला मार्गों से निकलने वाले ग्रामीण मार्ग जिसका लेवल मुख्य मार्ग से काफी नीचे है उसके भी सौंदर्यीकरण
के विशेष ध्यान देने की बात कही है। साथ ही मार्गों के कैरियर जुबा पर लाने वाले इलेक्ट्रिक पोल एवं पेड़ों को हटाने की कार्रवाई तत्काल प्राथमिकता से कराई जाए। और मंत्री जतिन प्रसाद ने यह भी कहा कि मुख्य मार्गों पर अवैध कटान को बंद कराए, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग द्वारा प्रभावित कार्य किए जाएं। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, सड़क सुरक्षा माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम में पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेड़ों को अनावश्यक ना काटा जाए और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करी जाए। महत्वपूर्ण बात है कि सड़क सुरक्षा माह समय समय चलाया जाता रहा है, पर उसका जो परिणाम होता है या उसका जो निष्कर्ष होता है वो निष्कर्ष सही निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी हाल में देखा किस तरह से गड्ढे भरो अभियान की शुरुआत की गई थी, पिछले दो बार उसकी शुरुआत हो चुकी है, इस बार फिर शुरुआत की गई थी, एक से 15 मत उसका बढ़ाकर उसको 15 दिसंबर कर दिया गया था, पर हमने देखा कि तब भी तमाम जगह गड्ढे ऐसे बन नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मनसा तो मनुष्य यहाँ पर स्पष्ट है, पर जिस तरह से अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सरकार के मनसूबों में यहाँ पर पलीटा लगाने काम कर रहा है। मैं आपको बताया कि जितेंद्र प्रसाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, और सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 5 जनवरी से यहाँ पर 4 फरवरी तक रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मनीष यहाँ पर यह है कि जिस तरह से यहाँ पर जो क्रियाशीलता अधिकारी हो कहीं ना कहीं उस पर एक संदेह होता है, क्योंकि अवैध पार्किंग हो रही है या अवैध निर्माण हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है तो उसके पीछे नगर निगम की बात करें या जो अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें या चाहे प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर मिली भगत होती चलते जो अतिक्रमण होता है, अवैध पार्किंग होती चलती रहती है। कहीं ना कहीं अगर वास्तव में इन तमाम समस्याओं का समाधान करना सबसे पहले इन प्रशासन को स्तर पर बैठक करनी होगी और ये बताना पड़ेगा कि कोई भी पर किसी भी तरह का सहयोग ना करे और उनको इस तरह के अतिक्रमण को या अवैध पार्किंग को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अवैध पार्किंग बनेगा अतिक्रमण बनेगा तो तमाम तरह की जो हमारी जो एक संकल्पना है कि स्मार्ट सिटी बने लखनऊ या उत्तर प्रदेश तमाम जिले बने, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अगर अभियान चलाएंगे गड्ढा मुक्त अभियान चलाएंगे, इसके अलावा अवैध पार्किंग हटाएंगे, इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर दुर्घटना ज्यादा होती है जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है और दुर्घटनाओं को कमी करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं चिंता जता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पहल यहाँ पर शासकीय स्तर पर करनी होगी और कहीं ना कहीं अधिकारियों को यहाँ पर समझना होगा किस तरह से हमको काम करना है आने वाले समय में इस समस्या का पूरी तरह निराकरण हो सके। कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण ये दोनों ही नहीं हो पा रहा है, जो भी अतिक्रमण आपको शहर या प्रदेश में दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर अगर काम नहीं करेंगे या उस चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको उसको समझना होगा। सरकार के मंसूबे स्पष्ट है, सरकार चाहती है गड्ढा मुक्त अभियान चले, सरकार चाहती है सड़क सुरक्षा अभियान चले, सरकार चाहती है कि दुर्घटनाएं कम हो, सरकार चाहती है ब्लैक स्पॉट बंद हो जाए, सरकार चाहती है कि अवैध अतिक्रमण ना हो, पर कहीं ना कहीं सरकार हर जगह नहीं जा सकती हो, केवल जो मंत्रालय होते हैं या जो आपके नेता होते हैं या जो व्यवस्थाएं होती है शासन स्तर पर वो केवल केवल आदेश जारी करती है, पर आदेश पे क्रियान्वयन करना, उस आदेश के हिसाब से काम करना, उस आदेश की समीक्षा करना ये कब अधिकारियों का है, समय समय अगर इसको समीक्षा की जाएगी या काम किया जाएगा तो मेरे ख्याल से इन सभी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। अगर केवल सुरक्षा माह चलाने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला मरीज, अगर वास्तव में कुछ बदलाव चाहते हैं या वास्तव में चाहती है सरकार की कुछ बेहतर काम हो, लोगों की जान अन्यथा ना जाए और इस तरह के जो तमाम तरह के जो गलत काम हो रहे हैं अवैध पार्किंग से लेके अतिक्रमण से लेके और ब्लैक स्पॉट को लेके, उन सभी के एक बेहतर निराकरण के लिए आपको यहाँ पर समुचित प्रयास करना होगा, सबको जोड़ना होगा और सरकार का एक सीधा स्पष्ट संदेश देना होगा कि जो भी आप अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा या उस चीज को बढ़ावा देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर में देर रात एक घर से 5 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया है। परिजनों को एक युवक के द्वारा अपहरण करने की जानकारी मिली, परिजनों ने अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को सूचना दी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसएसपी और एसपी सिटी खुद घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपके साफ साफ प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि एक आरोपी
एक 5 साल की बच्ची को किडनैप करके ले गया अपने साथ में, और 36 घंटे के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। यहां तक कि पुलिस के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है कि आखिर ये बच्ची लापता कैसे हो गई। साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि अपहरणकर्ता बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा है। इसके बाद भी अभी तक उस अपराधी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपराधी पुलिस। एसएसपी और एसपी सिटी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पांच साल की बच्ची की किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसे घर के बाहर से उठा लिया गया। बदमाश बच्ची को रात के समय में उठा के ले गया, और ये अपहरण की घटना 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा सुलझाई ना सकी। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर मौजूद हैं। राजन, एक बच्ची को बदमाश उसके घर से उठा के ले गया, और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस इस पे मूक दर्शक बनी बैठी हुई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके परिवार वालों की क्या स्थिति है, और उस पर पुलिस का क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा, उसमें थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए, मेरठ पुलिस अपने अच्छे कार्य प्रणाली को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन इस घटना के बाद मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल थाना डिब्बे नगर क्षेत्र के मुल्तान नगर का है, जहां 5 वर्षीय मासूम मानवी के घर को घर के बाहर खड़ी थी उसे देर रात 11 बजे, ये परसों की घटना है, जब उसे अपहरणकर्ता किडनैप करके ले गया है। ये वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। जब रात को देर रात उसके पिता उठे हैं, उन्होंने देखा कि मानवी अपने कमरे में नहीं है, बेड पे नहीं है, तब वो हैरान रह गए। उन्होंने आसपास बहुत तलाशा, लेकिन तलाश करने के बावजूद भी वो नहीं मिली। सुबह जाकर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मामले को बहुत गंभीरता से लिए हुए है, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली के खाली है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, और सीसीटीवी में ये घटना पूरी कैद हो गई है कि अपहरणकर्ता उस मासूम बच्ची को अपने साथ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही एसएसपी इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और 5 थानों की फोर्स लगाई गई है, और इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान का यह दावा है कि बहुत जल्द अपहरणकर्ता उनकी गिरफ्त में होगा, और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना यह है कि 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है, बच्ची का कोई सुराग नहीं है, अब लड़की कब तक बरामद हो पाती है ये कुछ कह पाना मुश्किल होगा। जी राजन, ये पुलिस प्रशासन का फेलियर ही साबित हो रहा है। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी जब फुटेज सामने है, उस बच्चे को अपहरण करते हुए बदमाश नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं ये सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, ऐसा आप भी मानेंगे? जी देखिए, पुलिस की लापरवाही ही है, क्योंकि 36 घंटे बीत गए, बच्ची का कोई सुराग नहीं है, अपहरणकर्ता कौन है, कहां ले गया है, बच्ची कहां पर है, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर यह सवाल बिल्कुल उठता है, क्योंकि मेरठ पुलिस लाख दावे करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अपराधों को लेकर, के अपराध में रोकथाम है, लेकिन यह खुलेआम पुलिस को चैलेंज किया गया है कि रात के 11 बजे एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया है, और 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर सवाल उठता है कि पुलिस एक बच्ची को अभी तक बरामद नहीं कर पाई है, और पुलिस इसमें अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है कि पुलिस कह रही है कि बच्ची कहाँ है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे, कॉम्बिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, डॉग स्ट्राइक लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है जो बच्ची को बता सके कि बच्ची इस समय है कहाँ, वो जिंदा है या मृत है। तो पुलिस के हाथ खाली हैं, और ये भी कहना बिल्कुल सही होगा कि पुलिस पता नहीं इस मामले में लापरवाही बरत रही है या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। जी मनीष राजन, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।